कहानी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल को देखते हैं जिनका नाम लोरी और निक होता है। ये दोनों अपनी शादी के बाद एक हनीमून ट्रिप पर जा रहे होते हैं। निक इस हनीमून को अपनी अच्छी यादों में रखना चाहता था ताकि वो अपनी लाइफ में उसे दोबारा फील कर सके। वो अपने हनीमून को एंजॉय करने द ग्रैंड कैनियन जाते हैं और वहाँ जाकर एक होटल में रूम बुक करते हैं। तभी होटल की रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि आप मंडे को चेकआउट कर सकते हो। फिर लोरी निक से कहती है कि वो इस हनीमून को उसके साथ गुजार कर अपनी यादों में रखना चाहती है। निक उससे कहता है कि अब हम दोनों कैनियन की ट्रिप करेंगे, पर यह सुनकर लोरी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो निक की खुशी के लिए वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अगले दिन वो दोनों टूरिस्ट ऑफिस जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वहाँ जाने के लिए उन्हें एक परमिट भी चाहिए। फिर वो परमिट ऑफिस भी जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि परमिट के लिए काफी ज्यादा समय लगेगा, जिसे देख निक काफी परेशान होता है क्योंकि उसने ये प्लान काफी सालों से बनाया था। तभी निक को परेशान होते देख लोरी उसे समझाती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे भी बहुत खुश हूँ, हम फिर कभी और आ जाएंगे। फिर लोरी और निक एक क्लब में जाते हैं जहाँ जाकर भी वो कैनियन की बात कर रहे होते हैं और वो सारी बात वहाँ पर खड़ा एक आदमी सुन लेता है, जिसे सुनकर वो उन दोनों को कहता है कि वो एक अच्छा टूरिस्ट गाइडर है और वो कैनियन को भी काफी अच्छी तरह से जानता है, जितना कि यहाँ पर कोई भी नहीं जानता होगा। निक ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस गाइडर से कहता है कि लेकिन हमें परमिट नहीं मिला है। तभी वो गाइडर कहता है कि उसके पास परमिट है। ये सुनकर निक बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद अगले दिन वो दोनों वहाँ के लिए घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं और उनका कैनियन का ट्रिप 2 दिन का होता है। वो दोनों काफी खुश होते हैं। फिर वो चलते चलते एक नदी के पास पहुंच जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं जहां पास एक बड़ा पहाड़ भी होता है। तभी गाइडर उन्हें वहां जाने के लिए कहता है ताकि वो थोड़ा एंजॉय कर सकें, जिसके बाद वो दोनों उस पहाड़ के अंदर जाते हैं जहां जाने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जिससे कि उन दोनों का मूड भी बन जाता है। और तभी वो दोनों वहीं पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। जब वो दोनों उस पहाड़ के अंदर से बाहर आते हैं तब वो गाइडर उन्हें कहता है कि आज हमें यहीं पर टेंट लगाना होगा क्योंकि हमें इससे आगे जाने की परमिशन नहीं है। पर तभी गाइडर कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें और आगे ले जा सकता हूँ। निक आगे जाने के लिए काफी एक्साइटेड होता है लेकिन लोरी बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, लेकिन फिर भी वो मन दबा कर आगे जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो अपने घोड़े से आगे की तरफ जा रहे होती है तभी वहाँ पर उनको 2 रैटल स्नेक दिखाई देते हैं जिन्हें देख कर उनके घोड़े बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन तीनों को गिरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो तीनों अपने घोड़े की तरफ भागते हैं लेकिन उनके घोड़े बहुत दूर चले जाते हैं। यहाँ पर सबसे आगे गाइडर बैठा होता है, इसलिए वो स्नेक गाइडर के हाथ और मुंह पर काट लेता है, लेकिन तभी वो उस सांप को मार देता है और फिर निक को उनके घोड़े लाने के लिए कहता है, लेकिन निक को वहाँ जाकर एक ही घोड़ा मिलता है क्योंकि बाकी के घोड़े भाग चुके थे। तभी शाम होने लगती है और वो सब वहीं रुकने का प्लान बनाते हैं और रात हो जाती है। रात गुजारने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए वो उसी सांप को काट कर खाते हैं, जिसके बाद वो सभी वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह वो उठते हैं तो गाइडर की हालत उन्हें काफी ज्यादा खराब लगती है। तभी वो गाइडर कहता है कि मैं अब ठीक हूँ और अपने आप को संभाल लूंगा। फिर वो गाइडर को एक बचे घोड़े पर बिठा देते हैं और खुद दोनों उसके साथ पैदल चलने लगते हैं। अब आगे जाकर वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो दोनों रात बिताने के लिए लकड़ियाँ लेने दूसरी तरफ जाते हैं, जिसके बाद निक देखता है कि गाइडर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तभी निक उसके पीछे भागता है लेकिन गाइडर उसे नहीं मिल पाता। जब वो वापस उसी जगह पर आता है तो वो गाइडर को मरा हुआ पाता है, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो दोनों उस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे और गाइडर ही अकेला था जिसे यहाँ के बारे में मालूम था। फिर हम देखते हैं लोरी को वहाँ बहुत ही डर लगने लगता है क्योंकि रात होती जा रही थी और उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वो दोनों गाइडर को वहीं पर दफना देते हैं और दोनों वहीं पर सो जाते हैं। जब वो दोनों सो रहे होते हैं तभी निक को एक अजीब सी आवाज आती है। जब वो आंख खोलता है तो उसके सामने एक भेड़िया होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद से वो दोबारा से नहीं सोता और लोरी की सुरक्षा करने लगता है। और फिर सुबह हो जाती है, तभी लोरी उठकर होटल की तरफ चलने के लिए बोलती है और तभी निक उस भेड़िए के पंजे के निशान को मिटा देता है क्योंकि उसे पता
पता था कि अगर लोरी उसे देख लेगी तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाएगी। फिर वो दोनों होटल की तरफ निकलते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता था, जिससे वो दोनों अंदाजे से चलने लगते हैं। तभी निक को याद आता है कि उनके होटल के चेकआउट का दिन मंडे का है और वो मंडे को वहाँ नहीं होंगे, तो होटल की टीम उन्हें ढूंढने की कोशिश करेगी, लेकिन मंडे को अभी बहुत समय बाकी था। इसके बाद वो दोनों आगे की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते वो एक जगह पर पहुंचते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पर रुक जाते हैं और देखते हैं कि आगे तो रास्ता ही नहीं था। तभी निक को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी लोरी उसे कहती है कि रुको, मैं अभी चेक करती हूँ कि यहाँ पर नेटवर्क है या नहीं, लेकिन वो देखती है कि फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते, जिससे वो किसी को भी कॉल नहीं कर सकती। अब निक उसे कहता है कि शायद अगर हम ऊंचाई पर जाएं तो वहाँ हमें नेटवर्क मिल सकता है। इसलिए वो दोनों कैसे न कैसे करके उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और आखिरकार वो एक पत्थर पर चढ़ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें नेटवर्क मिल जाता है। फिर लोरी वहाँ पर टीम को कॉन्टेक्ट कर रही होती है, लेकिन तभी वो पत्थर जिस पर वो दोनों रुके हुए थे, जिसे निक ने पकड़ रखा था, वो टूट जाता है, जिससे वो दोनों सीधा जमीन पर जाकर गिरते हैं और लोरी सीधा रेत में जाकर गिरती है, जिसकी वजह से उसको कम चोट लगती है। लेकिन निक दो पत्थरों के बीच में गिरता है, जिससे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसका एक पांव पत्थर में फंस जाता है। इसके बाद लोरी इस हालत में उठकर निक को संभालती है और वो उसका पांव निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पांव नहीं निकलता और तभी निक भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब निक की आंख खुलती है तो वो अपने सामने भेड़ियों को देखता है, लेकिन तभी लोरी एक लकड़ी को लेकर वहाँ पर आ रही होती है, जिसे देखकर भेड़िया वहाँ से भाग जाता है और लोरी उस लकड़ी से निक के पांव को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पांव नहीं निकाल पाती और थक कर एक जगह बैठ जाती है। इसके बाद निक उसको एक कहानी सुनाता है, जो कि एक रियल स्टोरी होती है, और वो बताता है कि कैसे एक आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए अपना एक हाथ काट दिया था। निक लोरी को भी यही करने के लिए बोलता है कि अगर शायद उसका पांव कट जाए तो वो बच जाएगा, लेकिन लोरी उस पर बहुत गुस्सा होती है और ये करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। लेकिन निक उसे समझाता है और थोड़ी देर बाद ही लोरी ये करने के लिए मान जाती है। उसके बाद उन्हें एक धार वाली चीज चाहिए होती है, जिससे वो निक का पांव काट सके। तभी निक उसे बताता है कि गाइडर के पास एक बहुत ही नुकीला चाकू है, तुम उसे वहां से ले आओ। लेकिन लोरी वहां जाने से पहले निक के पास बहुत सारी लकड़ियां लेकर आती है, जिसकी मदद से वो निक को पूरी तरह से कवर कर देती है और उसके पास एक आग भी जला देती है और उसके हाथ में एक नुकीली लकड़ी दे देती है, ताकि अगर भेड़िया उसके पास वहां आए तो वो उसे आसानी से मार सके, और वो आग जलाकर वहां से चली जाती है। जब वो जंगल में आती है तो वहां पर उसे वो चाकू मिल जाता है, जिसे लेकर वो वापस आती है। लेकिन जब वो निक के पास पहुंचती है तो वो वहां पर बेहोश पड़ा होता है। ये देखकर लोरी बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से निक के पास आती है और उसकी हार्ट बीट चेक करती है, जो कि एकदम सही थी, जिससे वो रिलैक्स हो जाती है और जल्दी से निक के पांव को काटना शुरू करती है। लेकिन तभी निक को होश आ जाता है और लोरी उसके मुंह में एक लकड़ी फंसा देती है, ताकि उसे इसका दर्द कम हो, और उसका पांव पत्थर और चाकू की मदद से काटने लगती है और वो अपने पास जली आग में चाकू गर्म करती है, जिससे वो उसके पांव को अच्छे से काट देती है और गर्म कर उधर लगा देती है, जिसकी वजह से उसका खून ज्यादा ना बहे। और फिर वो दोनों उस रात वहीं पर सो जाते हैं, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है तो वहां पर भेड़िए आए होते हैं। तभी वो भेड़िए लोरी पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन लोरी उसे मार देती है। दरअसल वो भेड़िए निक के खून को सूंघकर यहां तक आए थे, इसलिए वहां पर एक और भेड़िया आ जाता है, जो लोरी पर अटैक कर देता है और उसके पांव को काटने लगता है, लेकिन लोरी कैसे भी करके उसे भी मार देती है और फिर वहीं पर उसका मीट भी पकाकर खाने लगते हैं। इसके बाद लोरी लकड़ियों की मदद से चेयर टाइप कुछ बनाती है, जिस पर वो निक को लेटाकर वहां से ले जाने का प्लान बनाती है। तभी रास्ते में निक को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और वो दम तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो लोरी से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन लोरी उसकी एक नहीं सुनती। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लकड़ी से बनी चेयर भी टूट जाती है, जिसकी वजह से वो निक को अपने हाथों से ही खींच कर ले जाने लगती है, लेकिन अब वो भी हिम्मत हार चुकी थी। पर तभी पास में पड़ी एक लकड़ी का सहारा लेकर वो निक को अपने कंधे पर टांग कर चलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो सही से नहीं चल पाती, इसलिए वो एक जगह पर रखकर निक के पांव की पट्टी को चेंज करती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा खून में लथपथ हो गई थी। वो उसमें दूसरी पट्टी बदल देती है, लेकिन उसका खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसकी खुशबू सूंघकर भेड़िया भी वहां
वहाँ पर आने लगते हैं और तभी निक उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने तुमसे एक बार बोल दिया तो ऐसा मत करो। लेकिन लोरी फिर भी खड़े होने की कोशिश करती है और वो निक को लेकर चलने लगती है, लेकिन निक तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है क्योंकि अब चलना उनके बस की नहीं थी। अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और तभी वहाँ पर भेड़िए भी आ जाते हैं और लोरी सोचती है कि अब उनका यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी वो भेड़िए निक की बॉडी को खींच कर ले जाते हैं, लेकिन लोरी निक को वहाँ से बचा लेती है और वो काफी इमोशनल हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स में निक से कुछ कहना चाहती हो। दूसरी तरफ निक बहुत ही ज्यादा अपने पाँव के दर्द से तड़प रहा होता है और उसका काफी खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोरी निक के मुंह को अपने दोनों हाथों से दबा देती है, जिसका मतलब कि वो निक को मारना चाहती है और वो इतनी देर से रोकर यही सोच रही थी ताकि निक इतना ज्यादा ना तड़पे। लेकिन तभी वहाँ पर वो रेस्क्यू टीम पहुँच जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि लोरी ने निक को मार डाला था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो यहाँ से वापस नहीं जा पाएगी, इसीलिए उसने निक को मार डाला था। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि टीम वहाँ पर आ चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।